गुड मॉर्निंग क्लास नाइन। हम लोग बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता को पढ़ रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा कि कवि समाज से प्रश्न कर रहे हैं, प्रशासन से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या बच्चों को काम करना आवश्यक है, क्या उनके लिए खेल के मैदान, आंगन, पाठशाला सब कुछ नष्ट हो गए, किताबें सब कुछ नष्ट हो गई हैं। आखिर बच्चे क्यों काम कर रहे हैं? क्या हमारा समाज, हमारे देश का प्रशासन कुछ नहीं कर सकता? क्या उसका कोई दायित्व नहीं? आखिर बच्चे क्यों काम कर रहे हैं, ये प्रश्न समाज से, प्रशासन से कवि पूछ रहे हैं। आज की कक्षा में हम लोग अंतिम 7 पंक्तियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इन पंक्तियों को एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसमें आए कठिन शब्दों को मैं बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक यह कि साह की है सारी चीजें हसबा मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें जो कठिन शब्द है हस्ब मामूल, उसका अर्थ होता है यथावत, पहले जैसे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं, समाज से प्रश्न कर रहे हैं, प्रशासन से प्रश्न कर रहे हैं, सरकारों से प्रश्न कर रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या खेल के मैदान, किताबें, पाठशाला सब कुछ नष्ट हो गए, कुछ भी नहीं बचा। तो बचा ही क्या, अर्थात कुछ भी नहीं बचा तो यह क्या है, सबसे भयानक है। तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में, क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा, अगर ये सब कुछ नष्ट हो गया तो बड़ा ही भयानक होता, लेकिन भयानक है इससे भी ज्यादा यह अगर नष्ट हो गई होती वो सारी चीजें, तो बड़ा ही भयानक होता। किंतु वो चीजें हैं, यथावत हैं। ना तो खेल के मैदान नष्ट हुए हैं, ना तो पाठशालाएं नष्ट हुई हैं, ना ही किताबें नष्ट हुई हैं, सब यथावत है, पहले जैसी ही है। फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ा, यही है सबसे भयानक। कवि कह रहे भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह क्या कि सब कुछ तो है यथावत है, नष्ट हो गई होती तो भयानक होती। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए आज भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मासूम होते हैं, जिन्हें पता नहीं कि जीवन है क्या, कुछ भी नहीं जानते, बचपन में ही वो बचपना खो देते हैं, उनसे बचपना छीन लिया जाता है, चाहे कुछ भी कारण हो। बच्चों को बचपन तो कम से कम मिलना चाहिए, खेलना, पढ़ना, घूमना, यही तो उनका जीवन है, तभी तो आगे के संघर्ष के लिए तैयार होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक रूप से ताकतवर होंगे, तभी तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर वही उनसे छीन लिया जाए, काम कराया जाए, तो फिर किस तरह का समाज बनेगा? तो छोटे छोटे बच्चे, एक उम्र होती है भाई काम करने की, ये आप मैंने विश्वास नहीं करिएगा, हम लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सभी टीवी देखते हैं, सभी अखबार पढ़ते हैं, तो सभी जानते हैं कि आए दिन खबरें छपती हैं ये चाइल्ड लेबर की। सरकार ने बैन लगा रखा है, फिर भी क्या हो रहा है, हो ही रहा है, लोग करा ही रहे हैं, बच्चे काम कर ही रहे हैं, होटलों पर, चाय की दुकानों पर, वगैरह वगैरह, बहुत जगह देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे स्थानों पे काम करते हैं जहाँ उन्हें होना ही नहीं चाहिए, भयानक खतरनाक जगहों पर जहाँ रासायनिक वगैरह कार्य होते हैं, रसायन से संबंधित पटाखे वगैरह ये सब बनाना, भयानक मतलब उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वहाँ भी वो लोग काम करने के लिए बाध्य हैं। गरीबी, अशिक्षा, उनके माता पिता की बेरोजगारी,
ये सब आर्थिक जो कारण हैं उन्हें क्या करते हैं, बचपन में ही काम में झोंक देते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि पूछ रहा है कि दुनिया की सड़कों पर हजारों बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह बड़ी भयानक और त्रासदीपूर्ण क्या है नजारा है, जिसे देखना किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं। समाज जब अपने बच्चों को ही एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकता, न उन्हें शिक्षा दे सकता है, न उन्हें पोषण दे सकता है, न उन्हें खेलने की उचित व्यवस्था कर सकता है, तो फिर वो कर ही क्या सकता है? किस काम का तब समाज, किस काम का तब प्रशासन? जब बच्चों से ही उनका बचपना छीन लिया जाए तो फिर ये सब चीज़ें बेकार हैं, भयानक हैं ये सारी चीज़ें। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इसके प्रश्नों के लिए आप लोग मेरे पोर्टल पर जाकर वहाँ से लिख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं अगला पाठ।